जो नशा विरोधी मुहिम चल रही है गवर्नमेंट दी ते डी जी साहब के दिशा निर्देश अनुसार गुरदासपुर पुलिस जो है नाकाबंदी करके चैकिंग करके तस्कर के अगेंस्ट जोड़े समगलर्स है उन्होंने अगेंस्ट कार्रवाई लगातार कर रही है। इसी लड़ी के कल रात गुरदासपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है जिस दे विच एक स्विफ्ट डिजायर कार चिट्टे रंग की जिसका नंबर हैगा PB31Q1679 इस कार दे विच तीन शक्की व्यक्ति जिहड़े सीगे जिस दे विच दो पुरुष ते एक महिला है उन्होंने चैकिंग की गई सी। चैकिंग दौरान उन्होंने जिहड़ी गतिविधि थी वो थोड़ा शक्की लगी जिस के आधार पर उन्होंने गड्डी की थोरो सर्च की गई जिथों पुलिस को 17 पैकेट हैरोइन के मिले हैं सस्पैक्टेड हैरोइन के मिले हैं। वो 17 पैकेट का जिहड़ा कुल मिला के वजन हैगा वो अराउंड 17.960 है करीब 18 किलो हैरोइन जो है वो सी। इन की जो फरदर पूछगिछ की गई है तो वो चीज़ सामने आई है कि ये श्रीनगर तो ये जिहड़ा कंसाइनमेंट है ड्रग का वो लेकर आ रहे थे और अगे इन्होंने अमृतसर में डिलीवर किया। कितने दोषी सी सर कार दे विच जिहड़े मुकद्दमे पड़े गए हैं? कार दे विच तीन दोषी सी गए, दो जिहड़े हैं पुरुष है, एक का नाम है विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की, ये जखोवाल धर्मगढ़ जिला संगरूर का रहने वाला है। तो दूजी जिहड़ी जिहड़ी दोषण है उहदा नाम है संदीप कौर उर्फ हरमन, ये पिंड मिमसा दूरी जिला संगरूर की रहने वाली है। तीजा दोषी जिहड़ा है वह कुलदीप सिंह उर्फ काला है, ये भी वासी मानसा का रहने वाला है थाना भिक्की का। तो ये तीनों दोषी है के जो गड्डी दे विच मौजूद सी और जो इस स्मगलिंग एक्टिविटी इन्हां दे विच ये जिहड़ी जिहड़े दोनों दोषी है आपस दे विच दोस्त है गे और जिहड़ी लेडी है वह जिहड़ा दोषी विक्रमजीत है उहदे नाल लिंक्ड है। वह क्रोएशिया तो हुणी रिटर्न होकर आई है वापस 15 दिन पहला उत्थे 3 महीना रह के आई सी, उन्हों फरदर वेरीफाई किया जाए। ये लोग इन दी जिहड़ा एनालिसिस किया गया तो इन दी पूछगिछ की गई उस तो एक गल सामने आई है कि अमेरिका दे विच एक मनदीप धालीवाल नाम का जिहड़ा मुंडा रहिंदा है उही इन्हां नूं गाइड करता सी ते अगे कित्थों चुकना सी कित्थों इन्हां नूं देना सी वो डायरेक्शंस उहदे थ्रू दित्ते जा रहे सी। पाकिस्तान नाल संबंध जो कित्थों इह लैंदे सी कित्थों आई खेप? जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उहदे विच जदों इन्हां नूं इन्हां दी पुछगिछ की गई है ये चीज़ आ रही है सामने कि इन्हां नूं क्योंकि श्रीनगर तो ये चुक रहे हैं श्रीनगर ये जो हो सकता है कि पाकिस्तान दे रूट दे थ्रू आई है। ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੜੇ ਆ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਗੈਂਗ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ? ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰਲੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਰ ਫਸਟ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹਦੀ ਫਸਟ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 4-5 ਵਾਰੀ ਸੇਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਆ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਚੁੱਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅੱਗੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਲੇਡੀ ਦਾ ਰੋਲ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਏ ਰੋਡ ਚੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਏ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਕਵਰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜੋ ਹੈ ਜਨਰਲੀ ਇਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਲੂਪਹੋਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਵਰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾ उस चीज़ में भी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है क्योंकि यह बड़ा अनयूजुअल सी कि गड्डी दे विच कैमरा लाया सी ते वो दे फोन दे नाल कनेक्टेड सी, वो उन्हों मतलब गड्डी दी लोकेशन ट्रैक करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। वो एक्चुअली अमाउंट दसना जो पहला भी डीसी साहब दे भी ऑर्डर कढ़े से चंगी आप नहीं समझते कि अमाउंट डिस्कलोज किया जाए, बट ये डेफिनेटली 17.960 जो किलोग्राम हैरोइन है बड़ी मतलब क्वालिटी काफ़ी उदा लग रही है इस करके अंदाजा लगाया जा सकता है। इन्होंने अभी हले प्रिलिमिनरी अपनी पूछगिछ के यही दस है कि वह अमृतसर से तरन तारण के काम करते हैं, उत्थों भी चुक के अगे देंदे सी अमृतसर सिटी के होर जगह पर भी दे रहे थे, ਉਹ ਵਧੀਆ ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਪੀਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੇਨਲੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁੜੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕ੍ਰੋਏਸ਼ੀਆ ਉਹ 3 ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ? ਕਰੀਬ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ।